अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अम्मी, उस ड्रॉअर में मेडिसिन्स नहीं है। अरमान, बड़ी अम्मी यहाँ भी नहीं है। अल्लाह, ये लड़की अपनी कोई चीज एक जगह क्यों नहीं रखती है? अब क्या होगा? अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगी मेडिसिन। मनु याद करने की कोशिश करो, तुमने कहाँ रखी है मेडिसिन? हाँ मम्मी बताओ। हाँ भी नहीं, मेडिसिन का नाम क्या मंगा लेंगे? मुझे बस इतना पता है कि वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेती है, नाम नहीं पता है। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, ऐसा पहले भी हुआ था और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। अम्मी शांत हो जाइए। अम्मी अम्मी मैं केमिस्ट को कॉल करती हूँ, वो कोई एंटी एलर्जिक दवाई दे देगा। जल्दी करो। एक मिनट। देखिए मुझे भी ना मूंगफली के दानों की एलर्जी है और मैं ये इंजेक्शन लगा के ना ठीक हो जाती हूँ। ये वो अपनी फिरनी का इंजेक्शन है, इसे मन्नत को लगा दो तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लो 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 जल्दी, अभी लगा दो। जल्दी लगाओ। मन्नत ठीक लग रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मन्नत के नाश्ते में मूंगफली किसने मिलाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मन्नत का नाश्ता किसने बनाया था? जवाब दो। नाश्ता तो मन्नत बाजी ने खुद अपने हाथों से बनाया था। नाश्ता मन्नत ने खुद बनाया था तो पीनट क्यों मिलाएगी उसमें? मन्नत अच्छी तरह से जानती है कि उसे पीनट से एलर्जी है। तो फिर इस घर में पीनट आए कहां से? या अल्लाह, कहीं मन्नत ने मूंगफली का बटर तो नहीं खा लिया? मैंने नहीं खाया छोटी दादी। अरे फिर ये तो पीनट बटर है। एक मिनट, मन्नत के बाद किचन में घूम गया था? आखिरी बार तो मन्नत बाजी थी किचन में, उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि सबको नाश्ते के लिए बुलाओ करके। मैं गई लेकिन उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि कौन आया किचन में। मैं तो सब ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन लग गया है ना, सब ठीक होगा। क्या हुआ निकास? मुझे यहाँ अलग से क्यों बुलाया? मुझे आपको कुछ बताना है सुभान भाई सर। क्या? एक्चुअली मन्नत अप्पी के किचन से निकलने के बाद ना इबादत अप्पी किचन में गई थी। What? हाँ तो ये बात सबके सामने क्यों नहीं बताई? बताने का क्या फायदा, सब मुझे ही डांटते। सबको इबादत अप्पी पे भरोसा है तो बताने का फायदा ही नहीं था कुछ। तो मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मेरे पास सबूत है, ये देखिए। अगर अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा ना मुझ पे, तो आप इबादत अप्पी के रूम में जाइए, वहां कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा आपको। नाश्ता रेडी है, सबको बोलो आ जाए। जी Thank you.
परेशानियां किसी दिन सबको भूखा मार देगी। इतना वक्त हो गया और मैं किचन में ही नहीं गई। आई होप फिजा ने सबके लिए नाश्ता बना लिया हो। ज्ञान कहाँ है निगार? वैसे भी आजकल बहुत खोई खोई रहती हो, सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? हाँ अभी सब ठीक है, आप सुनाइए सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आपको कुछ स्मेल आ रही है क्या? स्मेल? स्मेल तो आ रही है वो भी किचन से। या अल्लाह विजा ने गैस तो खुला नहीं छोड़ दिया। जाकर देखिए अभी। जाइए जाइए। हाँ भी ना गैस ऑन छोड़ दिया, किसी दिन इस घर में कोई हादसा करवाएगी। ये नाश्ता भी है, ये टेबल पे नहीं रखा। शाबाश मन्नत अप्पी, क्या दिमाग लगाया है आपने इबादत अप्पी को सुभान भाईजान की नजरों में गिराने के लिए। अब इबादत अप्पी की खैर नहीं। नाम क्या मंगा लेंगे? मुझे बस इतना पता है कि वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेती है, नाम नहीं पता है। इंजेक्शन? ये तो वही इंजेक्शन है जो मन्नत को दर्जी से राहत देता है। इसे तो मन्नत के कमरे में होना चाहिए था। ये इबादत के पास क्या कर रहा है? ये मेरी दवा नहीं, तुम्हारे और सुभान के रिश्ते के लिए जहर है इबादत। मन्नत अप्पी के किचन से निकलने के बाद ना इबादत अप्पी किचन में गई थी। इसका मतलब निकार सच बोल रही थी। मुझे लगता है कि मेरे कमरे के बाहर कोई है और वो मुझ पे अटैक करने वाला है। सुभान मुझे बहुत डर लगता है। इबादत मन्नत पे अटैक्स पर अटैक्स की जा रही है, लेकिन अब बस, अब मुझे इबादत को रोकना ही होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।